दोस्तों, मैं स्वेलन सारी आप देख रहे हमारे जो भी लाइव कंटेंट है, इस दुनिया के हर छोटी भाई बहनों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव। खासकर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, अपराधियों को अब नहीं रहा पुलिस का भय। जी हाँ, अपराधियों खुलेआम दिन हो रात अंजाम देने में चुकते नहीं है। तभी तो कार सवार लोगों पर दिन दहाड़े बीच सड़क पर बाइक सवार अपराधियों ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जी हाँ, ये मामला यूपी के अमेठी का है। अमेठी जिला ब्लॉक भुटुआ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विकास सिंह दो दोस्तों के साथ कार से लखनऊ जा रहे थे। जैसे कार जम्मू रोड पर कर जगदीशपुर से लखनऊ की तरफ मुड़ी, बाइक सवार अज्ञात हमलावर ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तीन गोलियां मारी, जिसमें दो एक गोली कार के पीछे हुआ, दो गोली कार के गेट में जा धसी। कार सवार के रोकते ही बाइक सवार हमलावर भाग निकले। सूचना पर डायल 100 मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर तीनों को जगदीशपुर थाने में ले आई, जहां पर प्रतिनिधि पुत्र अज्ञात के खिलाफ थाने पर तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सर, हम अमेठी से लखनऊ के लिए जा रहे थे, हमारे दोस्त हैं अमरीश शर्मा और दिलीप पांडे, तीनों लोग जा रहे थे लखनऊ। ये आपके जगदीशपुर हाईवे के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिलों ने जो है हमारे ऊपर फायर किया, जान से मारने की कोशिश की। तो क्या इसमें कितने लोग चोटिल हुए हैं? चोटिल कोई नहीं हुआ, गाड़ी में जो है गाड़ी के तीन जगह जो है फायर किए गए हैं, पीछे से और दो बगल से।